हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपने साइंस के क्लास सिक्स चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स के फर्स्ट वीडियो में हमने अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में समझा था कि हमारी बॉडी में जो मूव होते हैं, जो जितने भी मूवमेंट्स होते हैं और हम जिन्हें मूव कर पाते हैं वो किस तरीके से होते हैं। अब हम यहाँ समझेंगे, और वहाँ पे हमने जॉइंट्स के बारे में भी समझा था कि जॉइंट्स होते क्या हैं। अब हम जॉइंट्स के यहाँ टाइप्स देखेंगे। फर्स्टली क्या देखेंगे हम यहाँ पे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो यहाँ एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता क्या है। रोल अ स्ट्रिप और पेपर इनटू अ सिलेंडर, मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन एंड पुट द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, पुट द बॉल इन अ स्मॉल बॉल। आपको क्या करना है, एक सिलेंडर जैसा एक पेपर लेना है और उसको मोड़कर एक सिलेंडर जैसा बनाना है और उसे एक रबर या प्लास्टिक की बॉल में होल करके उसे लगाना है, अंदर करना है, और या फिर उसे स्टिक यानी कि उसे चिपका दे, हम उसे चिपका भी सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जब ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा इस तरीके से, तो हमें उसे एक बॉल में रखना है, एक कटोरी में रखने देखना है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, क्या जो बॉल है वो भी पूरी तरीके से घूम रही है जिस तरीके से बाउल घुमा रहे हैं हम। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, क्या पेपर सिलेंडर, जो पेपर सिलेंडर हमने बनाया था और उसमें एक बॉल में छेद करके वो पेपर सिलेंडर को अंदर डाला था, क्या वो भी आसानी से घूम पा रहा है? यस, ऑब्वियसली ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर हम किसी बॉल को और उसके अंदर सिलेंडर लगा कर डालकर एक कागज का गोल करके सिलेंडर बनाकर उसमें डालकर उसे घुमाएंगे तो वो बाउल भी घूमेगा और उसके अंदर जो बॉल है और जो सिलेंडर है वो भी घूमेगा। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड, द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आपको जो सिलेंडर घूम रहा है तो ये आपकी आर्म है एंड द बॉल इट्स इट्स एंड, और जिसका जो बॉल है जिसका एंड जो पीछे वाला पार्ट है वो है। द बाउल इज द इज लाइक द पार्ट ऑफ द सिलेंडर, और जो आपका जो बाउल है वो एक पार्ट है आपके शोल्डर का, टू विच योर आर्म इज जॉइंट, जहाँ पे आपकी जो आर्म है जो फिक्स है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन इट्स फिट्स इन टू द कैविटी, और जहाँ आपकी जो बोन राउंडेड है, जहाँ वो घूम रही है जैसा कि बाउल में घूम रहा है, वैसे ही वहाँ एक कैविटी है, हॉलो स्पेस। कैविटी मीन्स जहाँ पे खाली हिस्सा है वहाँ पे वो जो गोल वाला हिस्सा है वह आसानी से घूम सकता है। ऑफ द अदर बोन विच ऑफ द अदर बोन, जैसे कि फिगर 8.3 में भी बताया है, जो कि ये आपकी बोन है और जो पीछे वाला हिस्सा है वो हॉलो स्पेस मीन्स खोखला हिस्सा है, जहाँ पे आपकी वो जो हड्डी है, जो आपकी बोन है, वो आसानी से चारों तरफ या आगे पीछे की ओर घूम सकती है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन, और आपको भी ऐसे क्या आप और ऐसे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनके नेम बता सकते हैं जहाँ पे ये वाला रोटेशन या मूवमेंट्स होता हो? ओके, जैसा कि हम अपने हाथ को, हम अपनी जो बाहों से, जो हमारी जो शोल्डर है वहाँ से जो बाहें होती हैं, हम उसे आसानी से पूरी तरीके से आगे से पीछे तक गोल घुमा सकते हैं। यह इसी सॉकेट जॉइंट और बॉल सॉकेट जॉइंट के कारण ही संभव हो पाता है। अब हम आते हैं पॉबिटल जॉइंट। पॉबिटल जॉइंट क्या होता है? द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट्स जॉइंस द हेड इज द पॉबिटल जॉइंट्स, और ये यहाँ बता रहा है कि जहाँ हमारी जो नेक है उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स रहती हैं, किससे? गर्दन हमारी सिर के हिस्से से जॉइंट रहती है, वो हमारा क्या है? पॉबिटल जॉइंट्स। इट्स अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट, जिससे कि हम अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकते हैं, नीचे की ओर झुका सकते हैं, आगे और पीछे करके लेफ्ट एंड राइट भी कर सकते हैं। ट्राई दीज मूवमेंट्स हाउ, अब हमें ये मूवमेंट्स करके भी देखना है, हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज और ऑफ आर आर्म दैट कैन रोटेट अ कम्प्लीटली सर्किल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आपको इसे उससे कंपेयर करके देखना है जो कि हमने अपनी एक्टिविटी, ये बॉल एंड सॉकेट वाली जो एक्टिविटी टू थी, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वाली एक्टिविटी थी, वहाँ समझा था कि हमने अपने आर्म को या अपने पूरे हाथ को हम आगे से लेके पीछे तक सर्किल में घुमा सकते हैं। क्या ऐसा हम यहाँ अपने जो पॉबिटल जॉइंट्स हैं उनमें भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी गर्दन को पूरा राउंड करके घुमा सकते हैं? क्या हम अपनी गर्दन को पूरा एक राउंड ला कर सामने की ओर वापस ला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बस हम उसे टर्न कर सकते हैं चारों तरफ। इन अ पॉबिटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, यहाँ एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि एक रोटेट होती है रिंग की तरह, जो रिंग में एक रोटेट होती रहती है। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे अभी हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा, पॉबिटल जॉइंट्स देखा, अब हम हिंज जॉइंट्स को समझेंगे।
ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, आपको जो आपका डोर है वो ओपन एंड क्लोज करना है थोड़ी देर तक, ताकि आप उसमें ऑब्जर्व कर सकें। ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली, उसमें आपको हिंज मतलब कि हम अपनी भाषा में बोलें तो जो कब्जे होते हैं दरवाजे के, जिससे वो मूव कर सकता है आगे और पीछे और हम उसे पूरा फिट करके पूरा खोल सकते हैं, उसको हम कब्जे और इंग्लिश में हिंज बोलेंगे। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, ये जो डोर है जो दरवाजा है उसको आगे और पीछे के लिए खोने में सहायता करता है। एक्टिविटी 3, अब हम इससे और अच्छे से समझ सकेंगे कि हिंज जॉइंट होते क्या हैं। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर, अब हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसका सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड या थिक चार्ट पेपर का, क्योंकि पतले चार्ट पेपर का हम एक सिलेंडर बना सकते हैं, मतलब गोल रोल एज शोन इन फिगर 8.5, जैसा कि 8.5 में बताया गया है, ये देखिए। अब हमें करना क्या है, मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट ईजीली। अब हम उसे द हॉलो हाफ सिलेंडर विथ द रोल्ड अप विथ सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट्स लाइक अ हिंज, ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें जब हमने पूरी एक्टिविटी को समझा तो एक्टिविटी में सीधी सीधी बात है कि आपको जो सिलेंडर पे एक सिलेंडर उसका गोल रोल बनाना है और उसमें पेंसिल को उसी रोल के बीचों बीच में उसको भी फिक्स कर देना है, और अब इनको घुमाकर देखना है क्या ये चारों तरफ घूम पा रहा है, और जब हम उसे घुमाएंगे तो ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे एक हॉलो स्पेस होगा जिससे कि वो चारों तरफ मूव कर पाएगा। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, हाउ डज इट मूव, हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ व्हाट विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हमें ये भी कंपेयर करना है कि ये जो हम जो हिंज जॉइंट का जॉइंट्स का जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, या हमें जो हम ये समझ के देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर ये चीज़ मूव होती है तो हमें इसे किससे कंपेयर करना है, हमारी सेकंड वाली एक्टिविटी से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वाली एक्टिविटी से कंपेयर करके देखना है क्या इसमें भी यह वही चीज़ ऐसे ही बनी थी या ऐसे ही मूव करती थी। मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1, व्हाट वी शॉ वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5, और इसमें ये भी देखना है जो एल्बो वाली एक्टिविटी की थी जिसमें हम अपनी एल्बो को स्केल से हमने अपनी एल्बो को पूरा फिक्स किया था और हम उसे मोड़ नहीं सकते थे, और इस एक्टिविटी को उससे भी कंपेयर करके देखना है। डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज, क्या ये डिफरेंट है उससे, ऑफकोर्स क्यों नहीं, ये डिफरेंट है, बट इट इलस्ट्रेटेड्स द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज मूवमेंट्स। द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे एक जो अंतर है वो यह है कि जो हमारी एल्बो है हम उसे बैक कर सकते हैं और फोर्थ कर सकते हैं, मतलब आगे और पीछे तो कर सकते हैं बट पूरा उसको घुमा नहीं सकते। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स, क्या आप ऐसे और भी जो मूवमेंट्स हैं जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपने कि आप उनको यहाँ समझ सकते हैं। फिक्स जॉइंट्स, अब हमारे फिक्स जॉइंट्स पर आते हैं। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड फॉर सो फॉर। ओके, अब हम यहाँ फिक्स जॉइंट के बारे में समझेंगे कि फिक्स जॉइंट क्या होता है। ये ज़्यादातर हमारी हेड में ही पाए जाते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, और जो हमारी जो बोन्स रहती हैं उनमें जो जॉइंट्स रहते हैं वो मूव नहीं कर पाते और हम इन्हें मूव भी नहीं कर सकते। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, ऐसे जॉइंट्स जिन्हें हमारी बोन्स में होते तो हैं पर हम उन्हें मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स रहते हैं। ये जॉइंट्स क्या कहलाते हैं, फिक्स जॉइंट्स। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपने मुंह को पूरा खोलते हैं बाहर की तरफ, यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट। क्या जब आप अपना जो मुंह खोलते हैं तब आपकी जो लोअर जॉ है मतलब नीचे की जो चिन लाइन होती है आप उसी को नीचे की ओर करेंगे, क्या आपके ऊपर का हिस्सा भी खुलता है, नहीं। Try to move your upper jaw. Now, are you able to move it? अब आप अपनी ऊपर की जॉ को सिर्फ खोलने की कोशिश कीजिए, क्या आप ऐसा करने में आप सक्षम है, नहीं। There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is the fixed joint. क्योंकि यहाँ पे एक fixed joint है इसके कारण हम ऐसा नहीं कर सकते। We discussed only some of the joints that connect parts of our body. हमने यहाँ पे कुछ ऐसे जॉइंट्स के बारे में समझा जो अलग अलग हैं, जैसे कि फिक्स जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंड पॉबिटल जॉइंट, जो कि हमारी अलग अलग बॉडी में कनेक्ट हैं अलग अलग तरीके से। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स, अब हमें अपनी डिफरेंट पार्टी के डिफरेंट शेप्स के बारे में क्या समझना है वह हम अपनी आगे की वीडियो में देखेंगे।